नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। हम इस वक्त पहुंचे हैं नीमच शहर के बीचों बीच स्थित नाकोड़ा रेस्टोरेंट पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि खाद्य विभाग के अधिकारी राजू सोलंकी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरे रेस्टोरेंट की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान खाद्य अधिकारी को जो मौके पर स्थिति मिली उसको देखकर बड़े ही चौंका देने वाली स्थिति है। प्रतिदिन शहर के जो नागरिक हैं वो यहाँ आकर बड़ी संख्या में शहर के बीच स्थित रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं, लेकिन जब रेस्टोरेंट की किचन की जो हालत जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने पूरे होटल की पोल खोल के रख दी। किस तरीके से पूरी सब तरफ गंदगी व्याप्त है, कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ के जो फ्रिज है उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक से लगाकर पीने का जो पानी है वो सारा का सारा एक्सपायरी डेट का है। हालांकि मौके पर जब खाद्य अधिकारी ने यहाँ के मालिक जो है कोठारी जी उनसे बात करी तो वही बगले झांकते हुए टेढ़े मेढ़े जवाब देते हुए दिखाई दिए, ये सब रिटर्न करना है। पर कहीं ना कहीं एक बात तो संदेह के घेरे में आ रही है कि जिस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक्सपायरी मटेरियल यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर पाया गया, कहीं ना कहीं वो कस्टमर को सप्लाई किया जा रहा है। देखना यह होगा कि यहाँ जो अधिकारी हैं वो ऐसे जो रेस्टोरेंट मालिक है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, जो लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर पूरी तरीके से गंदगी व्याप्त है। प्रशासन के निर्देश अनुसार जो मिलावट करने वाले लोग हैं और अस्वच्छ परिस्थितियों में जो खाना बनाते हैं इनकी सघन जाँच की जा रही है। इसी तारतम्य में ये जो नाकोड़ा द फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ दक भवन में संचालित होता है, जिसके जो मालिक हैं वो अभय कोठारी करके हैं, इनका जब फैमिली रेस्टोरेंट का जो किचन है उसका इंस्पेक्शन किया आकस्मिक, तो देखा कि अस्वच्छ परिस्थितियों में बिल्कुल खाना बनाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है, जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उसका भी रनिंग में कहीं निकलने का नहीं है, जिसकी वजह से पीछे नाली पूरी भरी हुई है और वही गंदगी जो है जिस टाइप का स्मेल है उसका और जो मच्छर वगैरह बनते हैं वो सब किचन में कंटामिनेंट हो रहा है, और इस प्रकार से खाना बनाया जा रहा है कि बिल्कुल अस्वच्छ परिस्थिति है। इसको देखते हुए और चूंकि इनके किचन में जो फ्रिज वगैरह लगे हैं उनको देखा है तो 2-3 बॉटल्स यहाँ एक्सपायरी मटेरियल भी मिला है जिसको डिस्पोजल कराया जा रहा है, और साथ में इनको ये डायरेक्शन भी किया जा रहा है कि जब तक इनका यहाँ वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से नहीं हो ये रेस्टोरेंट को संचालित नहीं करें। इस टाइप के लीगल डायरेक्शन इनको दिए हैं, अगर ये उसके बाद भी संचालित करते हैं तो विधिवत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ से 2 नमूने जाँच में लिए जा रहे हैं, चूँकि मिर्ची पाउडर लूज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोई पैकेट वाली मिर्ची पाउडर नहीं मिली है, एक कंटेनर में स्टील कंटेनर में इनकी लूज मिर्ची भरी है 10-1 किलो, उसका सैंपल जाँच में लिया जा रहा है। चूँकि पनीर का अभी जो पूरा सिस्टम्स जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उसी तारतम्य में पनीर के ऊपर भी शंका के उसमें हम लोग जांच में ले रहे हैं, दोनों सैंपल जांच में भेजे जा रहे हैं, और इनको ये डायरेक्शन किया जा रहा है कि जब तक पूरी सफाई नहीं हो और हाइजीनिक किचन नहीं बने तब तक इसमें खाना नहीं बनाए और पब्लिक को नहीं खिलाए। सर, ये शहर के मध्य स्थित रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, नाकोड़ा फैमिली रेस्टोरेंट बोलते हैं, तो ऐसे में इतने लंबे समय से जो है शहरवासी गंदा खाना खा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत स्मेल भी आ रही है। यही चीज़ हम आज आकस्मिक जांच जो हमारी इसी तारतम्य में हुई है कि चूंकि जितने भी इस टाइप के रेस्टोरेंट हैं जिसमें लोग अच्छी क्वालिटी समझ के खाना खाने जाते हैं, चूंकि किचन की जांच करना और इसमें क्या कमियां हैं उनको देखना और उसके आधार पर एक्ट अनुसार कार्रवाई करने का दायित्व हमारा है, उसी को देखकर हम लोगों ने यह जांच किया है और इसको डायरेक्शन दिया है कि इस तरीके से खाना नहीं बनाए और अगर बनाता है तो विधिवत इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ लाल टंकियाँ भी मिली है, आपूर्ति अधिकारी जो हमारे साथ में है उनके द्वारा टंकियाँ भी जब्त की जा रही है और उनकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। साथ में यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट भी मैं इनसे मांगी है कि क्या उन वर्कर्स में कोई कम एज का तो नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें भी लिस्ट में दिखाई जा रही है। सर, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल दोनों एक्सपायरी यहाँ पर देखी गई है, दिखाएंगे आप वीडियो को इस तरह से। ये एक एक्सपायरी बोतल है कोई जिसपे 2017 का बना हुआ है और फ्रिज में 2-3 बॉटल्स मिली है जिनको अपन यहाँ डिस्पोजल करा रहे हैं, क्योंकि फ्रिज में रखी है लेकिन ये माना जाता है कि ये विक्रय के लिए रखी है, ऐसी कंडीशन में इसको यहाँ मौके पर इसकी सहमति से डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है।